हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संगीता। वेलकम टू माय चैनल। चलो देखते हैं कि मैंने अपने फ्लावर पॉट के लिए क्या बनाया है। जो मैंने बोतल का बनाया था उसी के लिए मैंने कुछ बनाया है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी बोतल में सजाने के लिए ले लिए हैं कुछ ऐसे। मेरे यहाँ सरसों होती है, सरसों के ये पेड़ हैं। इनकी सरसों हमने निकाल ली है झाड़ के, और डंडे से इनको झाड़ के निकाल लेते हैं। और जो इसके पेड़ हैं वो झाड़ू लगाने के काम आते हैं। तो मैंने कुछ टहनियाँ ले ली हैं और मैंने इनको कलर कर लिया है। एक टहनी को मैंने रेड कलर किया है, एक टहनी को मैंने ग्रीन कलर किया है, एक को येलो किया है और एक को मैंने गोल्डन। मेरे पास कलर था, बच्चों के जो कलर होते हैं ना आर्ट की बुक में जो कलर करने के होते हैं, मैंने वही कलर लिए हैं। और मैंने सारी टहनियों पर अच्छे से कलर कर लिए हैं और ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं। यहाँ पर मैं ग्रीन वाली तैयार हो चुकी है और जो रेड वाली है मैं उस पर कलर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, रेड कलर तो मेरे पास वॉल कलर पड़ा था तो मैंने वो ले लिया है। और जो ग्रीन है, येलो है और गोल्डन, वो मैंने बच्चों के ले लिए थे। बच्चों के काफ़ी कलर मेरे पास पड़े हुए हैं और अब तो स्कूल वगैरह खुल नहीं रहे हैं तो यूज़ भी नहीं हो रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो इनका यूज़ ऐसे ही कर लो। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपके पास इससे भी अच्छे कलर हैं, वॉल कलर हैं या कोई और फैब्रिक पे करने के कलर हैं, जो भी कलर आपके पास हैं आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसी फालतू की चीज़ें पड़ी रहती हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको इस तरह से यूज़ करके अच्छा मटेरियल तैयार कर सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए या फिर यूज़फुल यूज़ के लिए, कोई भी चीज़ यूज़ लाने के लिए। मैंने इस पर बहुत अच्छे से पेंट कर लिया है और फिर मैंने येलो वाला कर लिया है। मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी टहनियाँ नहीं ली हैं क्योंकि मेरे पास छोटी बोतल है। जो मैंने सजाई थी पिछली वीडियो में, आपको मैंने बताया भी था कि मैं इस बोतल में लगाने के लिए कुछ बनाऊंगी और वही मैं आपके आपके सामने ये पेश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी सारी टहनियाँ तैयार हो गई थी तो मैंने इनको बोतल में लगा के देखा कि ये कैसी लग रही हैं। और बस थोड़ी सी लगाने के बाद मैंने इनको सजाने के लिए, मेरे पास थर्माकोल की गोलियां पड़ी हुई थी। थर्माकोल की जो छोटी वाली गोलियां आती है ना, कलरफुल आती हैं जिसमें कि कई सारे कलर होते हैं, वो मेरे पास पड़ी हुई थी। लेकिन मैंने उनमें से जो वाइट वाइट थी वो निकाल ली और वाइट वाइट मैंने सारी टहनियों पे इधर उधर मैंने फेविकोल से इनको चिपका दिया और ये बहुत ही अच्छे से चिपक गई हैं। हिलाने से या फिर छूने से ये हट नहीं रही हैं बिल्कुल भी। और मैंने इनको एक एक करके वहाँ पर चिपकाया जहाँ के टहनियों का, दो टहनियाँ का जोड़ होता है ना, जॉइंट वहाँ से अलग होती हैं, वहाँ पर ज़्यादा मैंने इनको चिपकाया ताकि वहाँ पर ये रुकी रहें और चिपकने के लिए इनको टाइम मिल जाए सूखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे से चिपक गई हैं और मैंने यहाँ पर इनको बोतल में लगा लिया है, अच्छे से फंसा लिया है। मुझे थोड़ी लंबी लग रही थी इसलिए मैंने नीचे से इनको तोड़ दिया है। ये बहुत आसानी से टूट भी जाती हैं और ये कलर करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सरसों के पौधे हैं, सरसों के पेड़ हैं, जिनकी सरसों हम लोग निकाल लेते हैं, बाद में हम दानों से तेल पिड़वा लेते हैं। तेल, सरसों का तेल यूज़ करते हैं हम लोग। गाइस, अब देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है अभी से। अब मैंने इसमें ये थर्माकोल की सारी गोलियां मैंने इसमें पलट ली थी और फिर मैंने इसकी वाइट वाइट निकाल के और इसको चिपका लिया था। गाइस, मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको मेरी वीडियो लाइक हो और आप मुझे सब्सक्राइब करें, पर गाइस आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। मेरी हेल्प इतनी कम हेल्प हो रही है, बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग लाइक कर रहे हैं कि आपको मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मैंने देखा है इतनी बेकार बेकार वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्या मेरी वीडियो इतनी गंदी है? प्लीज़ गाइस, प्लीज़ हेल्प मी, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक प्लीज़। यहाँ थोड़ा सा डार्क हो रहा है लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना प्लीज़, क्योंकि थोड़ी देर में लाइट हो जाएगा। ये हो गया और मैंने सारे इसमें जितने भी ये मैंने आपको बताया है ना पीछे, कि मैंने इसमें गोल गोल से ये प्यारे प्यारे बटन से चिपका दिए हैं और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये थर्माकोल की गोलियां हैं, फूल जैसे लग रहे हैं ये।
गाइस आप इसको आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सरसों के पौधे हों, आपको जो टहनी जैसे मिल जाए जिस पर छोटी छोटी डंडियां हों आप उसे ले सकते हैं और उस पर कलर करके इस तरह से ये चिपका सकते हैं। और मैंने तो इस पे वाइट ही चिपकाए हैं, कलरफुल भी आप लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और सबसे बड़ी बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आएगी उसको भी प्रेस कर देना। इसमें आपका ना तो कोई रुपया खर्च होगा और ना ही टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। सो फ्रेंड्स अगली वीडियो मैं लेके आऊँगी अपने किचन टूर पर, तो वेट करना और मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, ज़रूर करना। मैं फिर से बोल रही हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और क्या बोलूँ, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ अब अगली वीडियो में या ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।